हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने संयोजन के सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य के बारे में अच्छे से समझा था और आज हमें पढ़ना है माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक कला। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम टाइम चेंज कर दीजिए, सुबह फिर से कर दीजिए या फिर रात में कर दीजिए। तो देखिए, आपके ही कहने पर हमने सुबह वाली क्लास जो 8 बजे होती थी उसका टाइम चेंज करके शाम को 3 बजे किया था। ठीक है, अब फिर से टाइम चेंज करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जिसको पढ़ना होता है वो टाइम निकाल लेता है। आप ज़रूरी नहीं है कि 3 बजे ही पढ़ें, रात में पढ़ लीजिएगा क्लास, क्लास तो पढ़नी ही है ना, तो सुबह पढ़ें या शाम को कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी धुआंधार क्लास को। ठीक है, सारे पॉइंट वाइज कंप्लीट करवाएंगे। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है माध्यम व तकनीक और ग्राफिक कला। ठीक है, चलिए बड़ी सी हेडिंग डालनी है आपको, चलिए पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपको क्या डालनी है? माध्यम व तकनीक, एक सेकेंड। हाँ, तो हेडिंग डालनी है आपको बड़ी सी, माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक कला। ठीक है, ये आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम पॉइंटों में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कि तकनीक क्या होता है। टेक्निक को ही हम तकनीक कहते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, कलाकार की जो चित्र रचना होती है उसी की प्रविधि को हम तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो यही शब्द आपके एग्जाम में लिख कर आएंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए पिछले पेपर में पूछा गया है कि कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, तो उसमें से आंसर क्या है? तकनीक। तो लिखिए, तकनीक क्या होता है, लिखिए कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि क्या कहलाती है? तकनीक कहलाती है। ठीक है, यहां से समझाने वाली तो कोई चीज है नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, शाबाश, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि उत्कीर्णन जो कार्य होता है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है, उत्कीर्णन कार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो किसके द्वारा संपादित होता है? तो ये आपको याद रखना है, मूर्तिकार के द्वारा। उत्कीर्णन कार्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? मूर्तिकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा कि उत्कीर्णन छाया चित्र को कहते क्या है। जो उत्कीर्णन की जो छाया चित्र होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको क्या याद रखना है, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं इंटेग्लियो। ठीक है, याद रखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? मूर्तिकार के। दूसरा क्वेश्चन, उत्कीर्णन छाया चित्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, इंटेग्लियो कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया था। क्या पूछेगा? ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था। तो सबसे पहली बात, कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो आपको याद रखना है, 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसका आविष्कार जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। और करने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है, कौन थे ये? ये जर्मन कलाकार थे, हाउसबुक मास्टर। कौन थे ये? ये जर्मन कलाकार थे, कौन थे ये?
याद रखना है हाउस बुक मास्टर। हाउस बुक मास्टर, ठीक है। यहां से किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, हर पॉइंट को क्लियरली बता दिया है, ठीक है। अब पूछेगा ड्राई पॉइंट, जो हमने अभी ये बोला, ये ड्राई पॉइंट के जो आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध की बात आती है, तो चलिए आगे पेज में लिखते हैं। लिखना है ड्राई पॉइंट के जो आरंभिक कलाकार थे उनमें से जो सबसे फेमस हैं उनका नाम बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इनका नाम था अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। क्या नाम था? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, ठीक है, याद रखना है। यहां से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए, हाँ, तो देखिए सबसे पहली बात आपको बतानी है कि सनी किसकी, सनी किसकी कृति है, और दूसरा आपको बताना है द तैमर, द तैमर ये कृति किसकी है। इन दोनों को बताना है, बीच में प्लस लगा लीजिए, ये दोनों कृतियां किसकी हैं। ठीक है, ये दोनों बताना है। फिर आपको बताना है कि जो ड्राइव पॉइंट होता है, जितने पॉइंट बन रहे हैं सब कुछ हम बता रहे हैं, ठीक है। जो ड्राइव पॉइंट होता है इसमें कौन सी सुई का उपयोग करते हैं, कौन सी सुई का उपयोग होता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर पे देखते हैं। तो जो हमने बताया सनी और द तैमर, इन दोनों को जो बनाने वाले हैं ये कृतियाँ किनकी हैं, तो आपको याद रखना है एलेक्स कार्ज की, एलेक्स कार्टज की है, ठीक है। इन्होंने बनाया है, और किस माध्यम में बनाया है, तो कौन सी तकनीक में बनाया है, तो आपको याद रखना है कौन सी तकनीक है, ड्राई पॉइंट में, ठीक है। देखिए हम सारे पॉइंट में बता रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए फिर पूछा जाता है आपसे कि ड्राई पॉइंट के लिए कौन सी सुई का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है हीरे की, ठीक है, हीरे की सुई, मतलब डायमंड की सुई का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कागज के बारे में बात करते हैं कि कागज कौन सा यूज होता है अपने चित्रकला में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए कागज जो चित्रकला में यूज होता है, ठीक है, तो तीन टाइप के कागज हैं। पहला है हैंडमेड पेपर, पहला है हैंडमेड पेपर, दूसरा है कार्ट्रिज पेपर, तीसरा है कैंट पेपर, ठीक है। कौन सा? कैंट पेपर, ठीक है, ये तीन पेपर हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो A4 साइज का पेपर होता है, A4 साइज का जो कागज होता है, इसका आकार क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, वास्तविक इसकी माप पूछी जाती है, तो आपको एमएम में भी याद रखना है और इंच में भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए एमएम में देखें तो 210 गुणे 297 ये एमएम में होता है, A4 साइज की माप बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंच में बोलें तो 11.7 ये इंच में होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि A4 साइज का जो कागज होता है उसकी माप क्या होती है। पहली माप होती है 210 गुणे 297 mm, दूसरा होता है इंच में अगर देखें तो 8.27 गुणे 11.7 इंच होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं A4 साइज का। हाँ, अब चलते हैं, A4 साइज का हो गया। अब A3 साइज का जो कागज होता है इसकी जो माप होती है इसका आकार भी देख लें। तो इनका जो माप होती है याद रखना है 11.7 गुणे 16.5 इंच होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसकी है? A3 कागज की है, और A4 की भी हमने बता दी है, याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, जब हम कागज के बारे में पढ़ रहे हैं तो कागज के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कागज का आविष्कार किसने किया था,
कब किया था और वो था कहाँ का, ठीक है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, कागज का आविष्कारक कौन था, कागज डाल लीजिए हेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात आएगी, आविष्कार हुआ कहाँ पर था, तो याद रखना है चीन में हुआ था आविष्कार सबसे पहले। कब हुआ था, 105 ईस्वी में किया था, ठीक है। और करने वाले कौन थे, तो ये थे तसई लुन। अरे यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, कौन थे ये आविष्कार करने वाले, तसई लुन, ठीक है, लुन लिखा है ये, ठीक है। तो कागज का आविष्कार कब हुआ, 105 ईस्वी में, कहाँ, चीन में, किसने किया, तसई लुन ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि ये तो चीन की बात हो गई, अब पूछेगा आपसे कि कागज बनाने का जो कारखाना है, कागज बनाने का कारखाना अपने भारत में कब और कहां पर लगा, कहां पर, अपने भारत की बात हो रही है, भारत में कब और कब कब लगा और कहां पर लगा, ये बताना है आपको। तो देखिए, कागज बनाने की बात हो रही है, तो कागज बनाने का जो कारखाना है अपने भारत में कब लगा था, सभी को मालूम होना चाहिए, 1882 में बना था, ठीक है। और कहां पर, तो ये लगा था कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि ताकि अच्छे से समझ में आता जाए। चलिए चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कागज में ही एक तरह का GSM होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कागज में GSM होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कागज की मोटाई होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है कागज की मोटाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, टेराकोटा आर्मी संग्रहालय कहाँ पर है, छापो जल्दी से, टेराकोटा आर्मी संग्रहालय, संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये बताना है आपको। तो याद रखना है आपको, ये कहाँ पर है, टेराकोटा आर्मी संग्रहालय, ये है चीन में, कहाँ पर है ये, चीन में है। और चीन में भी कहाँ पर, तो ये याद रखना है आपको, शीआन में, कहाँ पर है, शीआन में, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट डालना है आपको, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है, बताइए। अरे सीधे टीवी लिख देते हैं, ठीक है, जो टीवी होती है अपनी, इसमें जो मीडिया का प्रचार करते हैं हम लोग, प्रचार करते हैं, उसकी जो कीमत होती है वो किस चीज़ पर आधारित होती है, किस आधार पर उसकी कीमत लगाई जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि जल रंग चित्रण में पोत का जो प्रभाव होता है वो किस कागज पर अच्छा उभरता है, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव कौन से कागज पर अच्छा पड़ता है, ये बताना है। एक और लिख लीजिए कि जल रंग, मतलब जिसको हम वॉश भी बोलते हैं, वॉश कलर, तो जल रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला दे रहा है टीवी मीडिया पर जो प्रचार करने की कीमत का आधार होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है, टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही पैसा उनको अच्छा मिलता है, अच्छी कीमत मिलती है। फिर बोल रहा है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर सबसे अच्छा होता है, तो याद रखना है जितना मोटा कागज होगा उतना ही अच्छा पोत का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा है जल रंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए, तो देखिए जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से पेंटिंग को आवश्यकतानुसार डुबाना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। अब आता है आगे
एचिंग के बारे में। तो देखिए, एचिंग का आविष्कार किसने और कब किया था बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात होता है कि ये एचिंग होता क्या है, इसको देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। तो देखिए, कॉपर और जस्ते की चादर का प्रयोग करके जो चित्र बनता है उसी को हम एचिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्राफिक विधि भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, लिखना शुरू करते हैं। लिखना है कॉपर प्लस जस्ते की चादर का प्रयोग किसमें किया जाता है, एचिंग में किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा लिखना है कि ग्राफिक विधि किससे संबंधित होती है, तो ये भी एचिंग से संबंधित होती है, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि इसके आविष्कारक कौन थे, तो ये थे जर्मनी के डैनियल हॉफर, डैनियल हॉफर, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है इनका, मतलब कब इन्होंने, क्या कहते हैं, कब इन्होंने आविष्कार किया था ये बोल रहे हैं, 1515 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से आपका ये एचिंग से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाता है आपसे ऑफसेट प्लेट का आविष्कारक कौन था। चलिए, पूछा जाएगा आपसे ऑफसेट का आविष्कारक कौन था, तो आपको याद रखना है सबसे पहली बात, इसका आविष्कार कब होता है, 1875 में होता है, करने वाले कौन है, तो ये हैं रॉबर्ट बर्कले। कौन है करने वाले, याद रखना है, रॉबर्ट बर्कले हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मतलब इन्होंने किया कहाँ पर था, तो आपको याद रखना है कहाँ पर किया था, इंग्लैंड में किया था, ठीक है, ये पॉइंट बनता है इधर से, कब होता है। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो ऑफसेट प्रेस है इसका विकास कितने संस्करणों में हुआ है, तो इसको याद रखना है, दो संस्करण में इसका विकास हुआ है, ठीक है, याद रखना है। पहला कौन सा है, पहला है टिन पर मुद्रण, क्या है, पहला टिन पर मुद्रण, दूसरा है कागज पर मुद्रण, कागज पर मुद्रण, ठीक है। चलिए अब इधर से थोड़ा सा समझा देते हैं। पहला बनेगा आपसे ऑफसेट, किसने आविष्कार किया, कब, 1875 में, रॉबर्ट बर्कले ने, कहां पर, इंग्लैंड में किया, ठीक है, पहला पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है ये कितने संस्करणों में विभक्त है, दो संस्करणों में, पहला है टिन पर मुद्रण, दूसरा है कागज पर मुद्रण, ठीक है। टिन पर जो मुद्रण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वो हुआ है इंग्लैंड के बर्कले के द्वारा, किसके द्वारा, इंग्लैंड के जो हैं ये बर्कले द्वारा, जो हमने ऊपर पढ़ा। और जो कागज पर मुद्रण है यही हुआ है 1875 में, ठीक है, याद रखना है टिन पर। और जो कागज पर मुद्रण हुआ है ये आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पर, यूएसए, यूएसए के वाशिंगटन रूबेल के द्वारा, यूएसए के हैं कौन, रूबेल, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बोलेगा टिन पर जो मुद्रण हुआ है किसके द्वारा हुआ है, तो ये इंग्लैंड के बर्कले द्वारा। कागज पर मुद्रण हुआ है किसके द्वारा, यूएसए के रूबेल के द्वारा। और इसको कब हुआ है, ये हुआ है 1904 में, ठीक है। तो यहाँ से समस्या नहीं होगी, हर एक एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। हाँ चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, हाँ आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोलेगा कि सिरेमिक चल टाइप का आविष्कार कहाँ, कब और किसके द्वारा हुआ, किसका, सिरेमिक, अरे सिरेमिक
चल टाइप, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं सिरेमिक मूवेबल टाइप्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसका जो आविष्कार हुआ है कब हुआ है, अरे 1040 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है, चीन में हुआ है। करने वाले कौन है, तो ये है बीन शॉन के द्वारा, ठीक है, याद रखना है, बीन शान रे बीन शेंग के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर बोलता है आपसे, पूछेगा क्वेश्चन कि जोहान गुटेनबर्ग ने यूरोप में जो धातु चल टाइप का आविष्कार किया था कब किया था। तो अभी हमने पढ़ा है सिरेमिक चल टाइप, ठीक है, यहाँ पढ़ना है हमको धातु चल टाइप, क्या पढ़ना है, धातु चल टाइप, तो ये याद रखना है। कब किया है, 1450 ईस्वी में हुआ है इसका आविष्कार, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये याद रखना है, तो ये हुआ है यूरोप में, ठीक है। करने वाले कौन है, करने वाले कौन है, तो याद रखना है जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है, ये आपको चार पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा है, ये पीछे हमने पढ़ा है सिरेमिक चल टाइप जो है इसका आविष्कार कब हुआ, 1040 में, कहाँ पर, चीन में, किसने किया, बीन शेंग ने, ठीक है, ये था सिरेमिक चल टाइप। अरे दूसरा है धातु चल टाइप, कब होता है, 1450 ईस्वी में, कहाँ पर, यूरोप में, किसने, जोहान्स गुटेनबर्ग। तो यहाँ से कोई समस्या नहीं होगी, सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, हाँ चलो, हाँ चलिए आगे चलते हैं। चलिए शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपको आता हो छापते रहा करिए, ठीक है। देखिए पूछा जाएगा कोलाज, अरे पूछा जाएगा कि कोलाज किसको कहते हैं, छापो जल्दी से, तो देखिए आपको क्या पढ़ना है कोलाज के बारे में। तो कोलाज किसे कहते हैं, आपको याद रखना है जो कागज की कतरन होती है, कागज की कतरन से जो चित्र बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये कतरन के, वो सॉरी कोलाज कहते हैं। तो आपको कुल मिलाकर याद रखना है कि जो कागज की कतरन होती है उससे अगर हमने चित्र बना दिया है तो उसको क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं, ठीक है। केवल यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। आगे पूछा जाएगा रंगीन किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली में चित्र बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है रंगीन किरणों के, रंगीन किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली पर चित्र बने हैं, मतलब किस शैली में चित्र बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन सी शैली है, अरे कौन सी शैली है वो, तो ये शैली का नाम है प्रभाववादी शैली, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है। तो प्रभावशाली शैली में किसका हुआ है, रंगीन किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाववादी शैली है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, रंगीन किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली में चित्र बनाए गए हैं, तो याद रखना है किसमें, प्रभाववादी शैली में, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, अरे चलिए चलिए पूछा जाएगा आपसे ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है,
ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है ये बताना है, ठीक है। फिर दूसरा है, पूछा जाएगा आपसे चित्र तल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, याद रखना है। फिर तीसरा पॉइंट है, घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का आविष्कार किसने किया। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को अच्छे से समझिए। पहला है ग्लेजिंग के बारे में, तो ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है इसमें वार्निश का प्रयोग होता है। किसका? वार्निश पेंट का प्रयोग होता है किसमें? ग्लेजिंग में, ठीक है। दूसरा है चित्रतल पर घन के रेखांकन को तकनीक भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? त्रितलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रितलीय कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। या फिर इसी को हम इंग्लिश में प्रिज्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्मेटिक कह देते हैं, याद रखना है त्रितलीय को ही। फिर तीसरा पॉइंट है, घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्ण चक्र का जो आविष्कार किया है किसने किया है, याद रखना है किसने? न्यूटन भाई साहब ने, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट समझ में आ गए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पूछा जाएगा स्क्रबर क्या होता है, किसी को मालूम हो तो छाप दो जल्दी से। फिर बोलेगा पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं, पारदर्शी माध्यम का किसको कहते हैं ये बताना है, ठीक है। फिर बोलेगा एनकॉस्टिक क्या होता है, सारे पॉइंट छपवा देंगे, कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, बताना है एनकॉस्टिक क्या होता है, ठीक है। फिर आपसे लास्ट पॉइंट बोलेगा कि एल्यूमिनियम प्लेट पर जो एचिंग की जाती है वो किससे की जाती है, तो ये क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है स्क्रबर क्या होता है, तो देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्रबर का मतलब होता है खुरचना। तो क्या होगा? खुरच कर रेखांकन करने वाला उपकरण क्या होता है? ये स्क्रबर होता है। लिखिए, खुरच कर रेखांकन, खुरच कर रेखांकन करने वाले वर्ण चक्र को करने वाले वर्ण चक्र का ये उपकरण होता है, ठीक है। क्या होता है? ये उपकरण होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर है दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट दे रहा है पारदर्शी माध्यम। पूछा जाएगा किसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो जल रंग होते हैं इनका माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है। देखिए ये भी याद कर लीजिए कि ये जो पद्धति होती है, देख अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, हम आगे बता देंगे इसको, ठीक है।
एनकॉस्टिक पूछा जा रहा है। एनकॉस्टिक क्या है? तो आपको याद रखना है मोम के द्वारा भित्ति चित्रण विधि को एनकॉस्टिंग कहते हैं। क्या है? मोम के द्वारा भित्ति चित्रण मतलब दीवारों पर जो चित्रण होता है, भित्ति चित्रण विधि क्या कहलाती है? ये एनकॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, फिर है एल्यूमिनियम प्लेट पर एचिंग जो होती है वो किससे की जाती है? इसको याद रखना है, करते हैं कास्टिक सोडा से। किससे करते हैं हम इसमें? तो इसको याद रखना है, कास्टिक सोडा से करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ का जो हम एक क्वेश्चन बता रहे थे आगे लिख देते हैं। देखिए, पूछा जाता है आपसे कि रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? एंटीक्रीन कहते हैं। उपकरण बोलेगा तो स्क्रबर होगा, लेकिन अगर उसने, अच्छा चलिए लिख देते हैं, अगर उपकरण पूछेगा तो ये हमने बता दिया उपकरण होता है क्या? स्क्रबर होता है। और आगे यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि रंग खुरच कर रेखांकन करने की जो पद्धति होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है एंटी क्रीन। क्या कहलाती है? एंटी क्रीन। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज केवल यहीं तक रखते हैं, वरना ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ पर बिल्कुल से वही पॉइंट पढ़ाए जाएंगे जो सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन में। मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए।